हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नो डिफीटर्स थ्योरी के अंदर एक चीज़ काफ़ी ऑब्स्क्योर है कि डिफीटर किस चीज़ को हम कहते हैं, दूसरा कि एक डिफीटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जस्टिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम जब नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो वीर एक्चुअली डायरेक्टली रेजिंग क्वेश्चन अबाउट जस्टिफिकेशन एज वेल। हम जब क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज हासिल करना पॉसिबल है, तो हम एक्चुअली ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमारे जो बिलीव्स एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, आर वी इवन जस्टिफाइड इन होल्डिंग दोज बिलीव्स। तो जस्टिफिकेशन के बारे में टू जनरल पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि जस्टिफिकेशन मेक्स बिलीव्स मोर लाइकली टू बी ट्रू। जब हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को बिलीव करने में जस्टिफाइड हैं, हम ये सोचते हैं कि वी हैव इनफ रीज़न टू बिलीव दैट इट इज़ ट्रू। दूसरा कि जस्टिफिकेशन डज नॉट ऑलवेज गारंटी ट्रुथ। जस्टिफिकेशन मेक्स बिलीव्स मोर लाइकली टू बी ट्रू, लेकिन ये भी इम्प्लाई करता है कि जस्टिफाइड बिलीव्स गलत भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम जस्टिफिकेशन को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनलिज्म ये कहता है कि जस्टिफिकेशन किसी भी बिलीफ के लिए हम डिटरमिन करेंगे सोलली बाय फैक्टर्स विच आर इंटरनल टू अ पर्सन माइंड। एक इंसान के बिलीव्स होते हैं इंटरनल टू देम, और जिस प्रोसेस से वो बिलीव्स फॉर्म करते हैं, ये प्रोसेसेस भी एक इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। और काफ़ी केसेस में इंटरनल जस्टिफिकेशन कभी कभार सफिशेंट होती है, कभी कभी नहीं भी होती। उसी तरह सेम विद एक्सटर्नलिज्म। फॉर एग्जांपल, मैं आज सुबह उठता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे आज फीलिंग आ रही है कि बारिश होगी या मौसम बेहतर होगा आज, बट मान लेते हैं कि चलो मेरा बिलीव केम आउट टू बी ट्रू, यानी आज असल में बारिश हो जाती है या मौसम रिलेटिवली बेहतर होता है, बट माई जस्टिफिकेशन वॉज एन इंटरनल जस्टिफिकेशन। मेरे पास कोई सफिशेंट रीजन्स नहीं थे, ना मैंने वेदर फोरकास्ट देखी थी, और मैंने बस एक इंटुइटिव सा गेस किया था कि आज मौसम इस तरह का होगा, एंड इट टर्नड आउट टू बी ट्रू, बट मेरी जस्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, इट वॉज इनसफिशेंट। इन अदर केसेस ये भी हो सकता है कि एक इंसान के पास सफिशेंट और गुड रीजन्स हों वन दे फॉर्म अ बिलीफ, बट दे कैन नॉट करेंटली रिकॉल वट दोज रीजन्स वर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये बिलीव करता हूँ कि एरिस्टोटल ने फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिकॉर्न्स के बारे में लिखा था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि उसने ये कहाँ लिखा था, किस किताब में लिखा था, और मुझे बस इतना पता है कि एरिस्टोटल ने यूनिकॉर्न्स के बारे में लिखा ज़रूर था। अज्यूम कर लेते हैं कि मैंने या तो ये एरिस्टोटल की अपनी किताब से पढ़ा था, या मैंने किसी स्कॉलरली टेक्स्ट या कॉमेंट्री से पढ़ा था, जो दोनों ही रिलायबल सोर्सेज हैं। अज्यूमिंग दैट आई डिड गेन दिस बिलीव फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, एम आई स्टिल जस्टिफाइड, गिवन कि मैं अभी करेंटली रिकॉल नहीं कर सकता कि यह सोर्स क्या था। इंटरनलिस्ट्स यहाँ पर कहते हैं कि एक सब्जेक्ट के पास इमीडिएट कॉग्निटिव एक्सेस होनी चाहिए फॉर द रीजंस फॉर द बिलीफ इन ऑर्डर टू हैव जस्टिफिकेशन टू बी जस्टिफाइड। मुझे ये इमीडिएटली या केयरफुल रिफ्लेक्शन के बाद रिकॉल करना पड़ेगा कि मेरी रीजंस क्या हैं फॉर होल्डिंग द बिलीफ कि एरिस्टोटल ने यूनिकॉर्न्स के बारे में लिखा था। इस वजह से अकॉर्डिंग टू इंटरनलिज्म, आई एम नॉट जस्टिफाइड इन बिलीविंग दैट एरिस्टोटल रोट अबाउट यूनिकॉर्न्स, क्योंकि मैं इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पा रहा कि ये मैंने किस सोर्स से पकड़ा था। दूसरी तरफ एक एक्सटर्नलिस्ट कहेगा कि मेरा जो बिलीफ है अबाउट एरिस्टोटल वो जस्टिफाइड बिलीफ है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स अबाउट वेयर आई गॉट द बिलीफ, क्योंकि एक्सटर्नलिज्म फोकसेस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फैक्टर्स विच आर नॉट इंटरनल और एक्सेसिबल टू द माइंड ऑफ द बिलीवर। एक्सटर्नलिज्म कहती है कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ जस्टिफिकेशन कैन रिलाई ऑन फैक्टर्स दैट आर नॉट इंटरनल और एक्सेसिबल टू माई माइंड। इफ़ आई वंस हैड गुड रीजन्स, बेशक साल पहले या दो साल पहले मुझे याद हो कि अच्छा मैंने एरिस्टोटल की किताब पढ़ी थी, विच इज़ अगेन अ रिलायबल सोर्स, तो फिर मेरा बिलीव जस्टिफाइड इवन इफ आई कैन नॉट नाउ रिकॉल दोज रीजन्स। एक्सटर्नलिस्ट थेरीज जस्टिफिकेशन के बारे में यूजली फोकस करती हैं ऑन द सोर्सेज ऑफ जस्टिफिकेशन, जिसमें ना सिर्फ इन्फरेंस इंक्लूड है बट टेस्टिमनी भी, परसेप्शन भी। बट द फैक्ट दैट अ सोर्स जहाँ से मैंने ये बिलीव गेन किया है, वो उसका रिलायबल होना मैटर करता है।